नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिप्टो जीजी में। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूँ 3 से 4 पोटेंशियल एयरड्रॉप। प्लस जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम हो चुका है रीब्रांड, तो उसके बारे में आपको मैं 4 से 5 बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो बहन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एयरड्रॉप बताने से पहले आपको मैं 4 से 5 बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सबसे पहला ये कि भाई बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे फेस कैम वीडियो बनाओ, फेस कैम वीडियो बनाओ। तो फर्स्ट फेस कैम वीडियो आ चुकी है चैनल पे, तो अब देखना मेरा फेस कैसा है, मेरी लंबाई कैसी है, उठिए बता नहीं सकता, ठीक है। उसका सेकंड ये बताने वाला हूँ कि हमारे चैनल का नाम रीब्रांड हो चुका है। आपको पता है पहले हमारे चैनल का नाम था लूट मनी, तो वो थोड़ा बहुत और लगता था साउंड में, तो मतलब बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। किसी को आप बोलोगे लूट मनी तो कुछ सोचता है कहाँ से लूट के लाए, बैंक से पैसे लूट के लाए, कहाँ से लाए। इसलिए हमारे चैनल का नाम क्रिप्टो चेंज कर दिया। बहुत सारे नए सजेशन दिए थे लोगों से, हमारे यूजर से, फैन से, तो उन्होंने बहुत सारे बताया। बहुत सारे मुझे मन में करे हमारा माइंड चेंज भी होता है, चेंज करते हैं। लास्ट हमने फाइनल हमने नाम रख दिया गौतम जी, ठीक है। उसके थर्ड में बताने वाला हूँ कि भाई आपको ऐसा पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ 4 से 5 दिन में एयर ड्रॉप की, तो 30 मिनट की 35 मिनट की वीडियो रहती है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग ये बताते हैं भैया कि फिफ्थ नंबर पे कौन सा एयर ड्रॉप है, फोर्थ नंबर पे कौन सा एयर ड्रॉप है। तो मैं अब जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मतलब आज से जब भी मैं बनाऊंगा, तो उसमें आपको टाइम फ्रेम आपको एड कर दूंगा कि भाई फोर्थ नंबर पे सेकंड एयर ड्रॉप है, फिफ्थ नंबर पे 12 मिनट पे, फिफ्थ नंबर पे ये एयर ड्रॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्थ आता है सब टाइटल, जो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इनको हिंदी नहीं आती है, इंडिया के भी लोग हैं, उनको यहाँ पे सब टाइटल्स एड कर दूंगा। मतलब जो भी मैं हिंदी में बोलूंगा तो सब टाइटल आपके इंग्लिश में नीचे आ जाए करेंगे, जिससे आपके यहाँ पे एयर ड्रॉप करने में कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल एयर ड्रॉप आता तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब जो मैं हिंदी बोलता हूँ यहाँ पे इंग्लिश यूजर भी कर सकते हैं, यदि आप कोई यहाँ पे बाहर से भी देख रहा वीडियो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लास्ट आता है फिफ्थ नंबर पे स्कैम। स्कैम का मैं इसलिए पॉइंट रखा है मैंने क्योंकि भाई आपको पता है कि मैं चैनल का नाम कर दिया चेंज, तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे स्कैम करने का ट्राई करेंगे। तो भाई कोई के जहां से मैं मताना गेन अगेन बता रहा हूँ, हमारे चैनल का यूजर नेम अभी लूट में नहीं है, अभी यहाँ पे चेंज 2 से 4 दिन में कर दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे यूजर नेम सेट होता है, मैंने बाय कर ऑक्शन पे लगाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिड यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, तो मैं यहाँ पे चैनल नेम मतलब अपना यूजर नेम चेंज कर दूंगा। जब तक कोई आगे से कोई मैसेज करता है आपको भैया ये मैं हूँ, मैं गौतम बोल रहा हूँ, मुझे ये कर दो वो कर दो, आपको यहाँ पे नहीं आना है, स्कैम है, अगेन बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस इसमें यही था। अब आते हैं यहाँ पे एयरड्रॉप की तरफ चलते हैं, तो आते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। आई नो मुझे पता है कि भाई आप लोगों को फेस कैम वीडियो में ज्यादा क्लैरिटी नहीं दिखाई दी, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट फेस कैम वीडियो थी, तो मैंने जितना ट्राई हो सकता था कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए मुझे फर्स्ट टाइम सेटअप करने में। तो भाई थोड़ा बहुत टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा फेस कैम, तो उसमें अच्छी क्लैरिटी आएगी, अच्छा सा बैकग्राउंड आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो आप मैनेज कर लेना, अभी बस मेन फोकस क्या करना पड़ेगा आपको, एयर ड्रॉप पे फोकस करो मेन, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको बता देता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारी क्रिप्टो जी चैनल को हमें सब्सक्राइब नहीं करा टेलीग्राम पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी यूजर ने हमारा ओल्ड वाला है, तो सर्च करके यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी लिंक देता हूँ, जो भी यूनिक एयर ड्रॉप आते हैं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट पे एयर ड्रॉप आते हैं, तो सबसे पहले चैनल पे बताता हूँ। उसके बाद लास्ट आते हैं यहाँ पे क्रिप्टो जी चैनल। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तो हमारे सब्सक्राइब नहीं कराया है आपने, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लस जो मैं एयर ड्रॉप बताता हूँ फ्री वाले, सबको यहाँ पे करना है, जो यहाँ पे न्यू यूजर है। ओल्ड यूजर ने तो कर रखा होगा, यदि नहीं भी कर रखा हो तो आप कर लेना, ठीक है। तो अब आती है फर्स्ट एयर ड्रॉप की बारी। अब देखो फर्स्ट एयर ड्रॉप ऐसा पता है कि जो मैंने बताया था हेलो का, सबसे पहले जब भी इसका यहाँ पे कम से कम 1.5 महीने पहले, जब इसके यहाँ पे टोकनोमिक्स मतलब कुछ भी अभी टोकनोमिक्स तो अभी लॉन्च नहीं हुई है, जब इन्होंने यहाँ पे अपना गवर्नेंस टोकन की थोड़ी बहुत हिंट दी थी, तो भाई आपको बता दिया। अब सेम टू सेम इन्होंने 5 जुलाई को एक ट्वीट करा है कि हेलो वॉलेट बीटा टेस्ट 2.0 लाइव नाउ लिमिटेड स्पॉट ग्रैब योर्स नाउ। अब देखो नीचे आओगे, पहले तो इन्फो देता हूँ कि हेलो न्यू सोशल फाइव फीचर क्या है, पढ़ लेना, ये जरूरी नहीं है। मेन हमारा मकसद क्या है, इससे क्या फायदा होगा, हेलो वर्ल्ड बीटा टेस्टर का फायदा बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे बग बाउंटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको यहाँ पे फ्री में जीनेसिस एनएफटी एयर ड्रॉप मिलेगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला बता रखा ना, इसमें ओनली यहाँ पे 5,000 डॉलर की बग बाउंटी प्रोग्राम है। तो हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मेन मकसद है एयर ड्रॉप का। अब इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है प्रायोरिटी फॉर एयर ड्रॉप रिवार्ड चांस टू गेट अ पार्टनर्स एयर ड्रॉप अर्ली एक्सेस टू वॉलेट टेस्टिंग। तो आपको फोकस करना है इन दोनों चीजों पे, जो यहाँ पे दो चीज मेंशन है कि आपको फ्यूचर में एयर ड्रॉप मिलेगा जब भी इसका यहाँ पे गवर्नेंस टोकन लॉन्च होता है हेलो वर्ल्ड का, जो यहाँ पे जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब इन्होंने बोला कि डोंट मिस आउट, ओनली 8,000 स्पॉट अभी लेफ्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होने वाला। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे करना है। सबसे पहले आपको मैं एक ज्वाइनिंग लिंक दूंगा, नहीं तो फिर आप थर्ड वाले थ्रेड पे जाके चेक कर सकते हो। ज्वाइनिंग लिंक पे आगे ये जो बग बाउंड
ठीक है ना, इसको आप करना चाहे तो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा मेन मकसद ये वाला है, ठीक है। अब इसलिए मैं इसको पहले तो इसको लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आप इस वाले पेज पे आओगे, आप डेस्कटॉप पे आओ या अपने मोबाइल में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ओपन हेलो वर्ल्ड ऐप पे क्लिक करना, ठीक है। ओपन हेलो वर्ल्ड ऐप पे क्लिक करें, यहाँ से हेलो वर्ल्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप फर्स्ट वाले पेज पे चले जाना, जो मैंने ट्यूट लिंक दी इस पर, ये वाले लिंक पे चले जाना, उसके यहाँ पर डाउनलोड हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करना और अपने एंड्रॉइड में डाउनलोड कर लेना हेलो वॉलेट, ठीक है। यदि आपके पास iOS है तो iOS में एप्पल स्टोर से कर लेना, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद, अब जो मैं चीज बता रहा हूँ वो ध्यान सुनना, डाउनलोड करने के बाद अपनी मेटामास्क की इसमें इम्पोर्ट कर लेना। मेटामास्क की ओनली वो ही वाली इम्पोर्ट करनी है जिसमें आपके ये चीज कर रखी हो, आपने गैलेक्सी कोई सी गैलेक्सी ले रखी हो या आपने टास्क कौन का, यहाँ पे कैप जो बताता रहता हूँ दो चार दिन में ले रखी है वो ले रखी है, और ये ले रखी होगी इस पे साइड का, यहाँ पे डोमेन ले रखा हूँ तो अनस्टॉपेबल का डोमेन ले रखा हूँ, वो वाली आपको मेटामास्क की अपने हेलो वर्ल्ड में इम्पोर्ट कर लेनी है। इम्पोर्ट करने के बाद अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट वर्ड टू चेक क्लिक करता हूँ, मेटामास्क थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ, तो भाई मेरे ऑलरेडी कितने चार कंडीशन ऑलरेडी यहाँ पे मैं टिक आ चुकी है। अब ओनली आपको तीन कंडीशन करनी है, तीन कंडीशन जैसे कर दोगे, सॉरी तीन कंडीशन नहीं, आपको यहाँ पे ओनली तीन पॉइंट करने हैं जब आप इलिजिबल हो पाओगे। भाई तीन पॉइंट तो आपके चुटकी में हो जाएंगे, आप भले आप कनेक्ट करोगे ना जैसे ही आपके हो जाएंगे। और जो यहाँ पे न्यू यूजर उनके लिए आपको बताया था, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने मेटामास्क की आपने की इम्पोर्ट कर ली, नहीं तो ओल्ड यूजर के लिए बताया था, दोनों के लिए बता रहा हूँ। मेटामास्क की इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में $2 की BSC मतलब BNB यहाँ पे डिपॉजिट करने और स्वैप वाले फंक्शन में जाके स्वैप कर देना, आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि आपको दिखाने के चक्कर में यहाँ पे ब्लू स्टैक में आ गया, अब यहाँ पे आपको आई ऑलरेडी हैव वर्ड पे क्लिक करना, अपनी मेटामास्क की इम्पोर्ट यहाँ पे कर लेनी है। की इम्पोर्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे BNB में आपको $2 से $3 की BNB यहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। BNB डिपॉजिट करने के बाद अब आपको आना है यहाँ पे डैप वाले सेक्शन में, डैप वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे पैनकेक स्वैप को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो $2 से $3 के BNB में डिपॉजिट करे हैं वो यहाँ पे आपको स्वैप कर लेना है USDT में। उसके बाद वापस USDT को BNB में स्वैप कर लो, फिर जहां से आपने BNB लिए वहां पे यहाँ पे सेंड कर दो, मतलब आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए लेना है, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपको लिख पा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट टास्क हो जाएगा। यदि आपके पास तीन पॉइंट हो जाते हैं ना तो भाई आपको फर्स्ट टास्क करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ गया यहाँ पे 6 पॉइंट, ये मेरा है आपने में चेक कर लेना है। बस आपको और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको करंट बोर्ड करना है, उससे करंट बोर्ड करने के बाद आपको चेक करना है आपके बोले एलिजिबल है नहीं है। यदि एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे ये वाला टास्क करना पड़ेगा, और ये दो टास्क तो आपको ऑलरेडी हो जाएंगे जैसे आप इम्पोर्ट करो, क्योंकि भैया आपने अपने सारे काम कर रखे हैं, स्पेस आईडी होगी, लेंस होगी, लेंस नहीं होगी, अनस्टॉपेबल होगी, कोई ना कोई आप 6-5-6 में से कोई ना कोई होनी चाहिए उसका, ये तो आपकी 100% होगी होगी। जो यहाँ पे यदि 1 से 2 महीने पुराना भी यूजर होगा ना तो उनके पास ये होगी कि भैया मैं इतने सारे टास्क आपको गैलेक्सी के टास्क उनके बता चुका मैं आपको, ठीक है। तो भाई फर्स्ट एयरड्रॉप इतना ही था, अब आते हैं यहाँ पे सेकंड एयरड्रॉप के बारे में। अगेन बता रहा हूँ कोई यहाँ पे मतलब लाइटली मत लेना, कर लेना एयरड्रॉप, यहाँ ब्लास्ट में सोचो, जब भी इसका गवर्नेंस टोकन आता है फिर सोचो भाई कंडीशन मीट नहीं हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ कर लेना, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड एयरड्रॉप की बारी। भाई ये जो सेकंड एयरड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे नूबी स्वैप दी बेस्ट डेक्स AMM ऑन लिनिया, मतलब यहाँ पे डेक्स कर दी गई है, लिनिया चैन पे गई। अब सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे 1 जुलाई को अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पे नूबीज इंसेंटिवाइज टेस्टनेट विल गो लाइव ऑन July 3, तो यहाँ पे टेस्टनेट लाइव हो चुका है, आज आपको पता है 7 तारीख का, तो लाइव हो चुका है, ठीक है। उससे पहले आपको इन्फो देना चाहता हूँ, 2 से 5% सप्लाई इनकी यहाँ पे अर्ली यूजर को यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है। सेकेंड बात यह है कि जो यहाँ पे लीनिया है ना वो खुद इसको सपोर्ट कर रहा है इस वाले प्रोजेक्ट, तो आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अभी यहाँ पे कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन भाई आप अंदाजा ला सकते हो, क्योंकि भाई लीनिया का जो 8 बीट का टास्क आया था उसमें ये वाला प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शामिल था, तो आप यहाँ पे अंदाजा ला सकते हो। अब यहाँ पे 4-5 या मैक्स 6-7 मिनट का काम है, कैसे करना पड़ेगा वो आपको बताया था, आपको मैं इन्फो दे दी। अब मैं आपको सारे के सारे जितने यहाँ पे टास्क है सारे के सारे बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई आपको मैं पता है कि एक भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहेगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो भी क्राइटेरिया बताऊंगा सब आप एलिजिबल हो पाओगे। जब भी लॉन्च होता है टोकन प्लस एयरड्रॉप देते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टोकन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे मैं एक गैलेक्सी की लिंक दूंगा, इस वाले पेज पे आ जाना, इसकी मिंटिंग कैप अभी 1 लाख है और यहाँ 20% भी मिंट हुआ है, तो अभी आपको ओनली कुछ नहीं करना है, ट्विटर फॉलो करना है और यहाँ वेरीफाई कराने के बाद आपका ये वाला गैलेक्सी ओट क्लेम हो जाएगा, पहला टास्क हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टास्क आपको मैं ये लिंक दूंगा, तो मिंट हेयर पे क्लिक करना, मिंट हेयर पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। उसके बाद इसमें भी गैलेक्सी
एनएफटी की मतलब लॉयल्टी एनएफटी की आपको यहाँ पे 1 लाख की लिमिट है और अभी तक ओनली 0 है, लेकिन 0 भी ग्लिच से बहुत सारे लोगों ने मिंट करा के यहाँ पे डेटा लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो बहुत छोड़ो आपको, अब आपको यहाँ मिंट करना है और मिंट की आपको यहाँ पे फीस कितनी लगेगी, फीस आपके यहाँ पे लगेगी $0.1 के ओपी इथेरियम टोकन, ठीक है। आप पहले मिंट एनएफटी पे लिख कर देता हूँ, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम भी लग सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रैफिक है। अब देखो मेरे यहाँ पे इतने यहाँ पे फीस लग रही है 0.00, तो आपके यहाँ पे आप यदि चेक करोगे हिस्ट्री में जाके तो आपके यहाँ पे 0.1 या $0.2 के समथिंग यहाँ पे फीस लगेगी ओपी इथेरियम की। देखो मेरी अभी यहाँ पे लगी $1.16 की टोटल फीस लगी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कल परसों करा था भाई, तो यहाँ पे ओनली $0.12 के समथिंग यहाँ पे ओपी इथेरियम की फीस लगी थी, पता नहीं आप क्यों ज्यादा ले रहे हैं। यदि आपके यहाँ पे ज्यादा लगती है तो भाई एक बार ट्राई कर लेना, थोड़ी देर बाद ट्राई करना, यदि $1 लगती है तो भाई कर लेना, क्योंकि भैया क्यों आपका फायदा दिखाने वाला हूँ इसमें, क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्लोज कर दिया, ये वाले भी टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, उसके टास्क अब आपको इन्फो देता हूँ, इन्फो क्या है। अब मिरर वाले में पेज पर चले गया, जो यहाँ पे सेकंड लिंक दूंगा ना आपको मैं ट्वीट लिंक, उसी में आपको मिंट हेयर पे क्लिक करना है और उसी में मिरर वाले पेज में यदि आपको इन्फो लेनी है तो यहाँ पे जा सकते हो। तो आपको मैं इन्फो बताता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहला ऑप्टिमिज नेटवर्क पे आपकी फीस लगेगी $0.1 से $1 तक, उसके 100 की सप्लाई ओनली और 5 अगस्त तक चलेगा, मैक्स मिंट एक एड्रेस पे एक एनएफटी है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, रजिस्टर एज अ लॉयल्टी नूब्स मेंबर रिसीव टोकन वेन मैनेट प्लस बोनस, कुछ भी बोनस मिल सकता है आपको, रिसीव टोकन ईच मंथ फॉर अप टू 12 मंथ, मतलब हर मंथ आपको 20 टोकन मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ तरीके से मेंशन कर रहा है, जब भी यहाँ पे कोई यहाँ पे लीने अपना टोकन लॉन्च करता है उसके बाद जितनी यहाँ पे सप्लाई होती है डाओ को रिजर्व करती है, और डाओ में से ये वाला डाओ जरूर सेलेक्ट होगा क्योंकि भैया बी गेट में आया, तो उसकी 20% टोटल लीने की टोकन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे जो यहाँ पे एनएफटी होल्डर है, मतलब लीनियर टोकन भी आपको मिलेंगे प्लस इसका खुद का टोकन मिलेगा, तो भैया अब क्या चाहिए इससे ज्यादा, ठीक है। उसके लास्ट में बोला गया वी कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, दिस एनएफटी विल बी वेरी यूजफुल इन द फ्यूचर, आपको साफ साफ मेंशन किया गया है। अभी यहाँ पे अर्ली प्रोजेक्ट है तो आपको मैंने बता दिया, ये तो मैंने आपको इन्फो दे दी, आपने दो चीज कर ली, एक तो गैलेक्सी कर ली और ये वाले एनएफटी मिंट कर ली। अब आती है यहाँ पे टेस्ट नेट डैप यूज करने की बारी, आपको मैं यहाँ पे वेबसाइट लिंक दे दूंगा, वेबसाइट लिंक पे आने के बाद आपको इस वाले पेज पे आना है, जिससे भैया आपको जब ही तो काम कर पाओगे जब आपके पास फॉसेट टोकन होंगे, तो फॉसेट टोकन नहीं होंगे तो काम कैसे करोगे। तो इस वाले पेज पे आगे उसके लॉग इन रिसीव पे क्लिक करना है, उसके यदि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है फुरवा का तो भैया आपको अकाउंट ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करना है, आपके पास अकाउंट नहीं है न्यू यूजर हो तो यहाँ पे IMN फर्स्ट टाइम इनफ्रा यूजर पे क्लिक करना, तो मेरे पास तो ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है मेटामास्क, उसके रिसीव इथेरियम पे लिख करना है, जिससे आपको यहाँ पे 0.5 लीनिया के इथेरियम आपको मिल जाए इंस्टेंट, ठीक है। मिलने के बाद अब आपको यहाँ पे टास्क करना स्टार्ट कर देना है, सबसे पहले कनेक्ट वर्ड पे लिख करना और मेटामास्क उसको कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे पहला काम ये कि आपको यहाँ पे जो इथेरियम आपको लीनिया के मिले हैं उसको यहाँ पे NVS टोकन में स्वैप कर लेना है, नूवी स्वैप में, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन आपको जितने भी आपको मिल रहे हैं जैसे 0.5 मिले तो आपको पूरे नहीं करना है, बहुत 10-20-30% कर लेना है बस, क्योंकि भैया आपको यहाँ पे आगे भी काम आने वाले हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लीनिया इथेरियम रखना है। वैसे तो डेली मिलते रहते हैं लेकिन कोई दिक्कत वाली, देखो यहाँ पे फीस भी यहाँ पे ज्यादा लगती है, तो भैया आपको एक सेशन ये देता हूँ, जैसे कि आपको दूसरे वाले अकाउंट में आना है, दूसरे वाले मेटामास्क में दोबारा लीनिया के इथेरियम लेने हैं उस वाले अकाउंट से, ठीक है। उस वाले उसमें 0.5 आ जाएंगे, उसके 0.5 आने के बाद इस वाले मेटामास्क में इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस लगती है, यदि आप इसको करोगे ना तो भाई आपके ओनली एक ही ट्रांजेक्शन हो पाएगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। तो आपको नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि आपके पास जो ओल्ड यूजर उनके पास तो पड़े होंगे टोकन, यदि आप टोकन पड़े भी नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर लगातार 2 या 3 दिन तक लेने पड़ेंगे, फिर 2 या 3 दिन बाद आपको यहाँ पर टास्क करने पड़ेंगे, जैसे आपके यहाँ पे 1 या 1.5 लीनियर इथेरियम आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दूसरे अकाउंट से मैं ले लेता हूँ एक बार आपको दिखाने के चक्कर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिए, लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद ये ट्रांजेक्शन थोड़ी देर के अंदर मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा लिक्विडिटी वाले सेक्शन में आना है। लिक्विडिटी वाले सेक्शन में आने के बाद अब आपको यहाँ पे एड लिक्विडिटी लिख करना है और यहाँ पे इथेरियम प्लस NVS में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देना है, इथेरियम तो आपके पास ऑलरेडी होंगे और आपके पास NVS अभी जस्ट आपने स्वैप कर लिए, ठीक है। उसके बाद जितने आपके पास NVS आते हैं तो उसको यहाँ पे मैक्स करके आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है, एक कन्फर्मेशन आएगी, दोबारा ज्यादा फीस लेगी तो वही आपको हमें 2 से 3 दिन के अंदर ही करने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे कन्फर्म कर देना एड लिक्विडिटी आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके लास्ट आते हैं ब्रिज का ऑप्शन, अब ब्रिज में वो कैसे करना पड़ेगा, ब्रिज में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये जो सब नेटवर्क दिख रहे हैं ना ये आपके ओनली टेस्ट नेट के मेन नेट, कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, तो यहाँ पे गोरिल्ला से कर लेना, नहीं तो फिर ऑप्टिमिज़ लेना, आर्बिट्रम कुछ से कर लेना। उसके बाद जैसे मैं गोरिल्ला से यहाँ पे लीनिया में करना चाहता हूँ, मेरे पास 200 पड़े तो मैं 10 कर लेता हूँ।
अब 10 के बदले 3.59 मिल जाएंगी। उसके बाद थोड़ी देर के अंदर में यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा और मुझे यहाँ पे अप्रूव करने में यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन आएगा। अब देखो लीनिया में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई लीनिया का भी यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया फंक्शन, तो आपको यहाँ पे गोरिल्ला से आपको यहाँ पे लीनिया की जगह ऑप्टिमाइज आर्बिट्रम बेस पॉलीगॉन जेड की ईवीएम किसी में भी आप कर सकते हो। तो भाई मैं पॉलीगॉन जेड की ईवीएम में कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 लिखता हूँ, उसके 10 के बाद जितने यहाँ पे टोकन आएंगे लेता हूँ। उसके यहाँ पे बोला है सेंड एटली 0.1, तो मैं 0.1 लिखता हूँ। तो फिर ऐसा नहीं कि इसी में करना है, आप किसी में कर सकते हो, यदि जिसमें कोई दिक्कत भी आ रही होगी ना तो भाई ऑप्टिमाइज कर लो, ऑप्टिमाइज में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, एक कन्फर्मेशन आएगी, पहले तो यहाँ पे सेंड क्लिक करूंगा, स्विच करने का नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक कन्फर्मेशन आएगी, उसके बाद ये मेरा काम हो जाएगा। काम होने के बाद आपका ये वाला काम हो गया और कुछ नहीं करना, दोबारा नूवी सेप में आओ, इसमें यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन है क्योंकि भाई हमको यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे आपको यूज करना है, जितने यहाँ पे सारे फंक्शन जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 फॉस्फेट तो आप ले लेना, इसकी बताने जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कनेक्ट वर्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके पहले तो वर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस वाले पेज पे आ गया। अब आपको यहाँ पे ये स्टेक का ऑप्शन आपका जब ही आएगा जब आप इन दोनों में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दोगे, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी के सेक्शन में आएंगे। अभी बताया था ना सेकंड टास्क इथेरियम और एनबीएस में, तो जब भी आके मैं ये वाला ऑप्शन आएगा तो स्टेक पे क्लिक करना, उसके बाद एनबीएस के जितने भी आप करे हो उसमें 50% तक कुछ भी लिख देना, मैक्स मत करना 50% लिख देना, उसके यहाँ पे स्टेक कर देना, बस आपके यहाँ पे लिक्विडिटी इसमें प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगेन बता रहा हूँ फीस यहाँ पे ज्यादा लगेगी, 2 से 3 दिन के अंदर आपका ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। 2 टास्क स्टार्टिंग के इंस्टेंट हो जाएंगे और बाकी के जो डैप वाला फंक्शन है उसमें यहाँ पे टाइम लग सकता है, और यहाँ पे सारे के सारे हमारे टास्क कंप्लीट हो गए और हमको कोई काम नहीं करना है, बस पॉसिट आपको लास्ट में ले लेना है और हमारे 5 के 5 काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके। अब आता है हमें हमारा सेकंड काम, मतलब थर्ड या फोर्थ काम जो है डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना। पता नहीं कब क्या कंडीशन लग जाए कुछ यहाँ पे सिविल अटैक के बारे में, तो भाई डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। भाई सिविल अटैक मेननेट में होता है, टेस्टनेट में नहीं होता, लेकिन कब भाई क्रिप्टो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसे मैं डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप यदि टेस्टनेट वाले चैनल पे आओगे उसके यहाँ पे साफ सा लिखा गया है स्वैप करने 5 पॉइंट मिलेंगे, उसके टोटल ट्रांजेक्शन मिनिमम 50x कुछ ऐसा लिखा है, लिक्विडिटी पे 5, स्टेक पे 5, रिमूव पे 5, ऐसे करके करके मिलेंगे। उसके लास्ट में मिंट और लॉयल्टी प्रोग्राम एंट्री जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे कर ली थी सेकंड नंबर पे, बस आपको इतना सा काम करना है, 2-4 दिन में आपका हो जाएगा। वैसे तो स्टार्टिंग 2 टास्क तो इंस्टेंट हो जाएंगे, बाकी टाइम लगेगा ना, भैया फीस बहुत ज्यादा लग रही है लीनिया की, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, उसके लास्ट आता है हमारा लास्ट टास्क गिल्ड ज्वाइन करना, ठीक है। तो गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मैं इस वाले पेज पे आ गया, यहाँ पे ज्वाइन गिल्ड पे क्लिक करता हूँ, पहले तो यहाँ पे वर्ड कनेक्ट कर लूंगा, डिस्कॉर्ड कनेक्ट कर लूंगा, उसके यहाँ पे ज्वाइन गिल्ड पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन ज्वाइन आपका जब भी होगा जब आप ये वाला काम कर लोगे, जो मैं आपको मेंटेन एमटी बताया ना ये वाली कर लोगे, जब भी यहाँ पे ज्वाइन होगा बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। अब देखते भाई कितना प्रॉफिट यहाँ पे होता है। अब चलते हैं यहाँ पे थर्ड एयर ड्रॉप की तरफ। भाइयों जो थर्ड एयर ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है लेयर 3 की तरफ से। अब से जैसे पता है कि 9/42 मतलब 5 जुलाई को उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि इनका खुद का नेटिव ब्रिज लाइव हो चुका है, जिससे आप यहाँ पे ऑन चैन ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकते हो। प्लस यहाँ पे और जब भी एयर ड्रॉप आता था उसके थ्रू ऑन चैन ट्रांजेक्शन थ्रू कितना बोलने आपने कराया जनरेट किया उस हिसाब से आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे ऑन चैन ट्रांजेक्शन और भी हो रहे थे, जब भी आप यहाँ पे क्वेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे क्लेम कर रहे थे तो वहां पे भी हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब कैसे एलिजिबल हो पाओगे, सब कंडीशन आपको मैं बता दूंगा, एक भी ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी जो यहाँ पे आपकी मैट नहीं हो, ठीक है। पहली बात, अब आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो, वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत छोटी मोटी चीजें, मेन बात बताता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे 8th थ्रेड पे आओगे ना तो यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ गेट स्टार्टेड बाय मेकिंग योर ट्रांजेक्शन थ्रू द लेयर 3 ब्रिज बिलो एंड रिमेम्बर इट नेवर हर्ट्स टू बी अर्ली। इसका मतलब समझ जाना, जो यहाँ पे अर्ली में ट्रांस करेगा उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अब पता नहीं कितना बेनिफिट होने वाला है, अब यहाँ पे 2-3 दिन पहले ही आया है। अब सबसे पहले ब्रिज लेयर 3 पे पहुंचाओ, और इसमें जितनी भी यहाँ पे चेन है ना सारी की सारी चेन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, उन्हें यहाँ पे मेन नेट पे ट्रांजेक्शन करना है, ना कि आपको यहाँ पे टेस्ट नेट पे करना है। जिसके पास फंड नहीं है, जो यहाँ पे न्यू यूजर है, तो भाई आपको फ्री का एयर ड्रॉप करो, फ्री का एयर ड्रॉप इसमें ही आता है लेयर 3 में। यहाँ पे यदि होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टास्क दे रखे हैं, वो यहाँ पे करने पड़ेंगे, इससे यहाँ पे आप एलिजिबल हो पाओ एयर ड्रॉप के लिए। इसको करोगे तो और एलिजिबल हो पाओगे, मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा टोकन मिलेंगे। कहने का मतलब ये, अब सबसे पहले आपको कंडीशन बता दूं क्या कंडीशन आपको मेट करनी पड़ेगी जिससे यहाँ पे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो पाओ। सबसे पहले इथेरियम को यहाँ पे भी छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है इथेरियम में ज्यादा फीस लगती है। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं, बाकी जितने यहाँ पे शो कर रहे हैं ऑप्टिमिस्ट बीएससी पॉलीगॉन जेड किसिंग आर्बिट्रम
एबेक्स, ऑरोरा, ठीक है, तो यहाँ पे इनमें कर लेना, ठीक है, पॉलीगोन जेड के इनमें कर लेना, चार से पांच कर लेना, ऐसा नहीं कि दस की दस में करो, आप पांच चेन ऐसे सेलेक्ट कर लो, ऐसे कि यहाँ पे इथेरियम में बाद में करना है, इथेरियम एक सेलेक्ट होगी पहले, लेकिन इसको बाद में करना क्योंकि यहाँ पे फीस ज्यादा लगती है। पहले सेट कर लो ऑप्टिमिस, सेकंड बीएससी, थर्ड पॉलीगोन, उसके बाद फोर्थ जेड के सिंह करो और लास्ट फिफ्थ पॉलीगोन जेड की कर लो और इथेरियम कर लो, मतलब पांच छह कर लो, ठीक है। उसके बाद अब इसने आपने कर ली, नहीं तो फिर आप पॉलीगोन जेड की ईवीएम की जगह आर्बिट्रम कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपको बस पांच से छह करनी है। तो पॉलीगोन मैंने सेट कर लिया, पॉलीगोन जगह मैं कर लेता हूँ नीचे बीएस सेलेक्ट, उसके यहाँ पे कौन से टोकन ट्रांसफर करने हैं तो मैं देख लेता हूँ, पहले तो वॉइड कनेक्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे क्राइटेरिया बताता हूँ कि भाई इस क्राइटेरिया के अलावा कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं आ सकता। सबसे पहले मैंने क्या बोला गया है, डू $500 बोलेमोन ई चेन मिनिमम बोला, मतलब $500 तो करना ही करना है आपको, उसके पर डे आपको $100 का वॉल्यूम जनरेट करना है ई चेन में लगातार पांच दिन तक। अब बताता हूँ कैसे करना पड़ेगा पांच दिन तक, प्लस यहाँ पे $100 वॉल्यूम कैसे कम्प्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बीएससी चेन सेट कर ली, उसके यूएसडीटी मेरे पास ऑलरेडी है, इसके पास नहीं है तो यहाँ पे ले लेना, ओनली इन्वेस्टमेंट यूजर के लिए जो यहाँ पे फार्म कर रहे हैं लेयर थ्री का प्रोजेक्ट को एयरड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पे यूएसडी सेट कर लिया, उसके बाद $100 यहाँ पे लिख दिया, $100 मुझे यहाँ पे करने पॉलीगोन में, यहाँ पे यूएसडी नहीं सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख दिया, मतलब ऑटोमेटिक आ गया 99.10, उसके बाद रिव्यू पे क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे $100 की यूएसडीटी बीएससी के पॉलीगोन के यूएसडीसी में स्वैप हो जाएंगे। तो पहला काम आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो यहाँ पे $100 के पॉलीगोन है उसको मैं बीएससी में स्वैप कर लो, तो मतलब क्या मैं दो चेन में ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, तो बीएससी में होगी $100 की और एक होगी पॉलीगोन में। आप यहाँ पे 100 की जगह 102 भी कर सकते हो, ठीक है, इससे आपके यहाँ पे पॉलीगोन में जब करो तो यहाँ पे $100 काउंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में होगी अभी काउंट 100-100 की। दोबारा अब यहाँ पे कर लो ऑप्टिमिज्म, नहीं तो फिर यहाँ पे सेट कर लो आर्बिट्रम, ठीक है। तो आर्बिट्रम को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कौन सा कर लेता हूँ, यूएसडीसी को सेट कर लेता हूँ, उसके यहाँ पे नीचे करता हूँ पॉलीगोन, तो पॉलीगोन के यहाँ पे यूएसडीसी सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 105, इसमें भी 105 को यहाँ पे ऑप्टिमिस के यूएसडीसी में आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा ऑप्टिमिस के यूएसडीसी को दोबारा आर्बिट्रम की कर लेना यूएसडीसी, मतलब यहाँ पे चार चेन हो गई, ठीक है। अब दोबारा लास्ट आता है मेन इथेरियम, इथेरियम में भाई आप कर लेना, क्योंकि भाई मेन ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पे इथेरियम में काउंट होता है, क्योंकि भाई जो भी सिविल अटैक में यदि आप इथेरियम में ट्रांजेक्शन कर लोगे ना तो भाई सिविल अटैक में आपका यहाँ पे बहुत कम आने की चांस है, 99% चांस होता है कि आप सिविल अटैक में नाम नहीं आएगा। इसलिए लास्ट में पहला तो जिसमें कम फीस लग रही है लेयर टू ब्लॉकचेन उसमें करना, फिर लास्ट में लेयर वन ब्लॉकचेन पे जाना इथेरियम पे, उसके इथेरियम कर लेना ऑप्टिमिस के, जिससे आपके यहाँ पे पांच चेन आपकी कंप्लीट होगी $100 की, ठीक है। ये काम आपको आज करना है, ये काम आपको कल करना है, ये काम आपको लगातार 3 दिन और करना है, मतलब लगातार 5 दिन तक करना है। $500 का वॉल्यूम होगा टोटल हर चेन पे $100 का, और हर चेन पे लगातार करना है हर दिन, समझ में आ गई नहीं मेरी बात, बस और कुछ नहीं है, ज्यादा ज्यादा आपकी फीस लेगी टोटल 5 दिन तक $10 से $15 की टोटल, और आपको फंड तो चाहिए होगा जब भी आप यहाँ पे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बस इतना ही काम करना है आपको, मैंने सबसे बात दी, उसके लास्ट में आता है ये वाला, मैं आपको यहाँ पे एक कैंपेन लिंक दे दूंगा, इस पे आना, उसके यहाँ पे इंट्रो कर देना, इंट्रो बिल्कुल सिंपल है, कंटिन्यू लिख कर इंट्रो आपका हो जाएगा, उसके वेरीफाई करना ब्रिज फ्रॉम ऑप्टिमिस टू एनी चेन, तो यहाँ पे ये आप जैसे आप करोगे वैसे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लोर जेड की सिम क्वेस्ट करना, ये भी आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपके सारे के सारे कंडीशन आपकी मैट हो जाएगी। लेकिन अगेन बता रहा हूँ, ये वाला क्राइटेरिया मत भूलना, मत भूलना, जैसे कि हर चेन में आप 500 का वॉल्यूम कम्प्लीट कर लोगे तो टोटल आपके यहाँ पे 5 से 6 चेन भी करोगे तो आपका $2500 से $3000 का वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन के अंदर, जो इम्पोर्टेंट है। मिनिमम बोला तो मिनिमम, आपकी मर्जी आप कितना ज्यादा करते हो, जो मैंने कंडीशन बताई है वो करें, 2-4 बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भैया मैंने कोई बताएगा नहीं ये चीज आपको, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ एयर ड्रॉप की बारी, भाइयों जो फोर्थ एयर ड्रॉप पर है वो है हमें पब्लिक गुड्स नेटवर्क, मतलब एक लेयर टू ब्लॉकचेन आई है नई, जिसके अभी लेटेस्ट अभी यहाँ पे मतलब इसी महीने अकाउंट बनाया जुलाई में, और चेक कर सकते हो 785 फॉलोअर अभी, ठीक है। और करना क्या, और इनफो लेनी तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वैसे तो आपको यहाँ पे मेन बात ये है कि भैया यहाँ पे लेयर टू ब्लॉकचेन होने वाली है ओपी चेन पे, और यहाँ पे ये बैकिंग इन लोगों ने बैकिंग कर रखा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। मेन तो यहाँ पे बड़ा नाम है गिटकॉइन का, आपको पता ही हो गिटकॉइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो क्योंकि क्या क्या डिटेल्स है, बाकी आपको मेन काम बताता हूँ कि मेन काम को क्या करना है जिससे हम यहाँ पे एलिजिबल हो पाए इनके यहाँ पे पीजीएन का यहाँ पे गवर्नेंस टोकन जब भी लॉन्च होता है। 99% का गवर्नेंस टोकन लॉन्च होगा, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, हमको इनका नेटवर्क आईडी ऐड करनी है, नेटवर्क नेम ऐड करना पड़ेगा कस्टमर आरपीसी, तो यहाँ पे सिपोलिया मतलब ऐसे मेटामास में गए, उसके यहाँ पे आपको गए एड नेटवर्क में,
यहाँ पे एड नेटवर्क ऑप्शन इस पे गए, उसके यहाँ पे जो जो यहाँ पे चीज दे रखी नेटवर्क ने सबको यहाँ पे ऐड करते जाओ धीरे धीरे, उसके यहाँ पे आपका नेटवर्क ऐड हो जाएगा। नेटवर्क ऐड होने के बाद फिर आपको बता, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर दिया, उसके मैंने सिपोलिया का पीजीएन का नेटवर्क यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका। उसके यहाँ पे अपना एड्रेस कॉपी करना मेटामास्क का, उसके सेकंड है ब्रिज का। ब्रिज का हम बाद में करेंगे, जब आपको पहले फॉसेट टोकन मिलेंगे जब भी तो आप ब्रिज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ब्रिज का मतलब फॉसेट टोकन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिपोलिया फॉसेट पे क्लिक करो। मैं आपको सब लिंक नहीं दूंगा, सब लिंक आपको डॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ आप, ठीक है। पहले तो ऐड कर लेना, ऐड करने का थर्ड वाले स्टेप में आना है, आपको फॉसेट टोकन लेना है सिपोलिया के। कैप्चा बैठता हूँ, अपना एड्रेस यहाँ पेस्ट मार देता हूँ। पहले तो लॉगिन कर लेना, लॉगिन कर लेता हूँ एल्केमी द्वारा। अब देखो मैंने यहाँ पे सिपोलिया के फॉसेट टोकन ले लिया एल्केमी लॉगिन करने के बाद, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर आपको सिपोलिया के फॉसेट टोकन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा ब्रिज। तो ब्रिज टू इस पर क्लिक करना, पीजीएन ब्रिज पे क्लिक करना। अब यहाँ पे सब चीज स्टेप बाय स्टेप बता रखी है, वैसे मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। एक काम करना है, एक काम बोल रहा है मतलब इसने एक ट्रांजेक्शन बोल रखा है, लेकिन आपको ये करना है लगातार दो या तीन दिन तक, और लगातार दो बार एक दिन में। कैसे करना पड़ेगा बताता हूँ। पहले तो वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्रॉम में आपको सिपोली सेट करना है, और पीजी और टू में पीजीएन सेट करना है। पहले आपका यहाँ पे पीजीएन सेलेक्ट होगा उसमें फ्रॉम में, तो आपको यहाँ पे इसको इंटर एक्सचेंज कर देना है, जिससे यहाँ पे सिपोली यहाँ पे आ जाए। उसके जो आपको फॉसेट टोकन मिले हैं उसके यहाँ पूरे के पूरा नहीं लिखना, आपको यहाँ पे 0.2 या 0.3 लिख देना। उसके यहाँ पे डिपोजिट क्लिक करना, एक कंफर्मेशन आएगी, उसको यहाँ पे अप्रूव कर देना। उसके 5 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंफर्म, उसके जो पीजीएन है वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ट्रांजेक्शन कैसे करना पड़ेगा, दोबारा इनको इंटर एक्सचेंज कर लो। इंटर एक्सचेंज करने के बाद जो आपके पीजीएन आएंगे 0.2 या 0.2 जितने भी आप करते हो, उसको यहाँ पे कम से कम 85% या 80% लिखना है। जैसे कि 0.2 आ जाना, 0.18 है, 0.17 आपको लिख देना, और थोड़े बहुत पीजीएन आपको इसी में रहने देना है बॉयड। जैसे कि 0.2 आ गए तो 0.18 में लिखता हूँ, उसके 0.18 को दोबारा मैं सिपोलिया में कर लेता हूँ। बस आपको ऐसे लगातार दो तीन दिन तक ट्रांजेक्शन करना है, वो भी दो बार, एक बार नहीं दो बार करना है, ठीक है। दो बार ट्रांजेक्शन करना है लगातार तीन दिन, बस डेट सेट इतना ही काम करना है। भाइयों जो लास्ट एयर ड्रॉप आ रहा है वो आ रहा है मैजिक एड्रन की तरफ से। मैजिक एड्रन का पहले तो अपडेट दे देता हूँ भैया। जैसे कि मैंने आपको लेवल 2 करवाया था, लेवल 3 पहुंच गए थे लोग, और वो वापस में बोल रहे हैं कि हर मंथ ये रीसेट हो रहा है। तो भाई सही बोल रहे हो आप, हर मंथ ये रीसेट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, बस ये लास्ट वीडियो होने वाली है मेरी मैजिक एड्रन की। ऑलरेडी कम से कम 5 से 6 वीडियो में बना चुका हूँ, ये लास्ट अपडेट प्लस यहाँ पे ट्रिकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो होने वाली है। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले देखो ये जो लेवल है आपका हर मंथ रीसेट होता है, पहली बात तो ये है। उसके बाद सेकंड ये कि आपको यहाँ पे हर मंथ यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ वॉल्यूम जनरेट करने पर आपको पता है भाई ओनली लगती है $2 या $3 की फीस लेवल वन करने पे, ठीक है। आप लेवल 2 पे पहुंचो ही मत, आपको यहाँ पे ओनली लेवल वन ही करना है, ठीक है। मतलब लेवल वन ही करना है, मतलब जैसे बताता हूँ एक मिनट को, मतलब आपको लेवल 2 करना है। लेवल 1 तो आपका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद लेवल 2 कैसे करना पड़ेगा, लेवल 2 करने के लिए आपको पता है 50 सोल का वॉल्यूम कम्प्लीट करना पड़ेगा आपको इसी मंथ। भले आप करो आज करो या 10 दिन बाद करो, लेकिन आपको मंथ एंड होने से पहले 50 सोल का वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगा। अब जनरेट कैसे करना पड़ेगा वो आपको मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग ओल्ड यूजर भी हैं, उनको न्यू देखी उन्होंने वीडियो और न्यू यूजर भी उन्होंने नहीं देखी, ठीक है। उससे पहले वॉल्यूम जनरेट करने से पहले आपको दोबारा इसकी फंडिंग बताता हूँ। इसने अभी तक $159 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुका 3 राउंड में, जो यार बहुत बड़ी बात है। जब भी टोकन लॉन्च होगा भाई, टोकन तो 99% लॉन्च होना ही है। अभी आपको पता है मार्केट अच्छा खासा नहीं, कभी डंप हो रहा है पंप हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट मतलब बुल सीजन आने वाला है 2024 में, बस यहाँ पे Q3 और Q4 एंड होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे बुल सीजन आ जाएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट आपने अभी करे हो ना, बस आज इस साल कर डालो, नेक्स्ट ईयर आपको फायदा ही फायदा होगा। वैसे तो इस साल भी और भाई और भी 4 डिजिट के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो ये धमाका होने वाला है। बस काम कर दो आप इस साल, नेक्स्ट ईयर तो अमीर बनने वाले हो, बस कहने का मतलब ये। अब देखो करना क्या पड़ेगा इसमें वॉल्यूम जनरेट करने के लिए। अब जैसे पता है कोई भी यहाँ पे NFT सेट करते हो तो भाई इसमें किसी में 8-10% लॉयल्टी होती है। यदि आप ड्रिप को यहाँ पे सेट करते हो, ड्रिप को बाय सेल करते हो खुद ही आपस में, तो भाई ड्रिप का ओनली भाई बहुत कम फीस लगेगी आपकी। ड्रिप सीजन वन या ड्रिप सीजन टू जितने यहाँ पे ड्रिप के यहाँ पे NFT है, यदि आप किसी पे यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हो, डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओनली टेकर फीस है 1.5% और रॉयल्टीज ओनली 0%। तो आपके यहाँ पे ड्रिप की कोई ना कोई NFT होनी चाहिए। यदि ड्रिप की NFT नहीं है तो भाई ड्रिप की NFT बाय कर लो यहाँ से। बाय करने का अपने दूसरे वाले अकाउंट में से उसको मतलब पहले वाले अकाउंट में लिस्ट कर देना 10 या 15 सोल में, उसके दूसरे अकाउंट से बाय कर लेना, फिर दूसरे अकाउंट में लिस्ट कर देना, फिर से अपने फर्स्ट वाले अकाउंट से बाय कर लेना,
आपको करना है लिस्ट करनी ज्यादा में, मतलब 10-15-16 में, और 10-15-16 आपके यहाँ पे वॉलेट में होनी चाहिए जब भी आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन होगा। और जैसे आप 50-16 का वॉल्यूम कम्प्लीट करते हो 4-5 ट्रांजेक्शन में, आपका लेवल 1-2 में भी, मतलब फर्स्ट वाले अकाउंट में हो जाएगा, और लेवल 2 आपका सेकंड वाले अकाउंट में हो जाएगा, जिससे आप यहाँ पे दोनों तरफ से 4-डिजिट एयर ड्रॉप के लिए आप इलिजिबल हो पाओगे। मैंने आपको बता दिया, वैसे मैंने लाइव करके बताया था, जब भी मैंने मैजिक अर्निंग का बताया था ट्रिक, इसमें आपको बता दिया। और ये काम आपको करना है हर मंथ, और आपको फीस लगेगी $4-5 की मैक्स, 2 या 3 ड्रॉ की लगेगी, ठीक है, मैं 4-5 ड्रॉ मैक्स ज्यादा ही बोल दिया, ओनली 3-4 ड्रॉ की मैक्स आपकी फैंटम की, मतलब सोलाना की फीस लगेगी। और आपको अगेन बता रहा हूँ हर मंथ करना है, हर मंथ, ठीक है, क्योंकि भैया आपको पता है जैसे जेड के सिंह के फार्मिंग कर रहे हो, तो वैसे आप जेड के सिंह में आप एक और एड ऑन कर दो प्रोजेक्ट मैजिक एड ऑन, जो आपको हर मंथ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे फार्मिंग। ओनली भाई फीस कम लेगी, प्लस आगे दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और बात खत्म। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, यदि आप इस मंथ करते हो इस वाले एनएफटी के वॉल्यूम कम्प्लीट, मतलब बाय से करते हो अलग अलग, मतलब अपने दो अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ इसी वाले एनएफटी से नहीं करना है, आपको यहाँ पे अलग एनएफटी लेनी है ड्रिप की, लेकिन आपको ड्रिप की एनएफटी से ही करना है, क्योंकि ड्रिप की एनएफटी बहुत कम फीस लगती है, 1.5%, प्लस यहाँ पे रॉयल्टीज भी 0% है, आपकी 1.5% सब काम यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा। आपको मैंने सब काम बता दिया, 4-5 की फीस लगेगी बस, मैक्स दोनों अकाउंट में कम्प्लीट हो जाएगा काम। बस इस वीडियो में ये था, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, लाइक का टारगेट था वीडियो में 1800 से 2000 लाइक, क्योंकि पता ही फर्स्ट के फेस के वीडियो थी, अच्छा लगा होगा आपको, नहीं लगा हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैं जल्दी जब अच्छी खासी मतलब क्वालिटी में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भैया मेरी फर्स्ट वीडियो थी, इतना मुझे आइडिया नहीं था इसलिए। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का इसका नाम है लूट मनी, जल्दी चेंज होने वाला है, प्लस लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि हमारा यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बस इस वीडियो में ये था, और लाइक कर देना, थैंक यू।